बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के टॉपिक का आगाज किया था, यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनमें से कुछ चीज़ों को देखा था। यानी हमने सेंडर और रिसीवर के दरमियान वायर्ड या फिर वायरलेस मीडिया भी लगा लिया था, साथ साथ अपने कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी इंस्टॉल कर लिया था और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर लिया था, जो कि एक नेटवर्क की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें इन तमाम चीज़ों के जरिए आप सिर्फ दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, जबकि आमतौर पर एक नेटवर्क में हजारों की तादाद में डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखेंगे, साथ साथ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की डिटेल भी देखेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो किसी नेटवर्क में डेटा को भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आमतौर पर एक नेटवर्क को बनाने के लिए, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए और एक नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और तमाम डिवाइसेस तक के काम अलग अलग होते हैं। तो जैसी हमें ज़रूरत होती है उसी लिहाज से नेटवर्किंग डिवाइसेस मौजूद होती हैं, जिनमें रिपीटर, हब, ब्रिजेस, स्विचेस, गेटवेज और राउटर्स को आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है रिपीटर। दोस्तों, ये एक प्योर हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता। ये क्यों लगाया जाता है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, ये हमने एक 200 मीटर का लैन बनाया है, इसमें अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से डेटा सिग्नल्स की शक्ल में मूव करता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, यानी उस लैन की लिमिट क्या होगी। कि लैन एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 200 मीटर तक। 200 मीटर के बाद सिग्नल डाउन होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से डेटा लॉस भी हो सकता है। और अगर हम 200 मीटर के बाद भी और डिवाइसेस को डेटा भेजना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी होगी जो सिग्नल्स को अप कर सके, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो इसीलिए हम 200 मीटर के बाद रिपीटर्स को लगा देते हैं। का काम क्या होता है दोस्तों, रिपीटर सिग्नल को रीजेनरेट करता है, यानी इसको दोबारा से पहले जैसा सिग्नल कर देता है, ताकि नेटवर्क की डिस्टेंस लिमिट को एक्सटेंड कर सके। यानी अगर इन डिवाइसेस को भी वो सिग्नल चाहिए, तो रिपीटर के पास जब वो सिग्नल आएगा, वो वीक सिग्नल आएगा, तो वो उसको दोबारा से रीजेनरेट करेगा, ताकि ये तमाम डिवाइसेस उसको यूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। यानी ये एक नेटवर्क की डिस्टेंस को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। तो ये दो पोर्ट्स मौजूद होती हैं, एक इनपुट पोर्ट होती है और एक आउटपुट पोर्ट होती है। इनपुट पोर्ट के जरिए पीक सिग्नल को इनपुट दिया जाता है और रीजेनरेट करने के बाद आउटपुट पोर्ट के जरिए आगे की डिवाइसेस को दे दिया जाता है। दोस्तों, क्या रिपीटर फॉरवर्डिंग कर सकता है, मीन्स जो सिग्नल इसको दिया जाता है, क्या ये दूसरी डिवाइसेस तक उसको भेज सकता है? तो बिल्कुल, ये ऐसा कर सकता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये फिल्टर कर सकता है। फिल्टर मींस सिग्नल्स को रोक सकता है। फॉर एग्जांपल, A1 और A2 को, A1 A2 को कोई मैसेज भेजेगा, तो वो मैसेज रिपीटर के पास जाएगा, तो ये सिग्नल को लैन बी के पास भी भेज देगा। मीन्स इसको पता ही नहीं होता है कि A2 तो नेटवर्क की इस तरफ मौजूद है, यानी ये नेटवर्क के इस तरफ मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरफ मौजूद है, और इसके बावजूद भी ये उस मैसेज को, जो कि A1 ने भेजा है, इसको LAN B के तमाम कंप्यूटर्स को भी भेज देता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मैसेजेस को फिल्टर नहीं कर सकता, इसकी वजह से डिवाइसेस के दरमियान ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसके बाद है हब। दोस्तों, तो एडवांस फॉर्म ऑफ रिपीटर भी कहा जाता है। रिपीटर सिंगल इनपुट और आउटपुट पोर्ट होता है, जबकि हब में मल्टीपल पोर्ट्स मौजूद होती हैं, जिनके जरिए बहुत सी डिवाइसेस को हब से जोड़ा जाता है,
जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि इस हब के अंदर बहुत सी पोर्ट्स मौजूद हैं। ये भी रिपीटर की तरह पीक सिग्नल्स को रीजेनरेट करता है। के बाद है ब्रिज, जैसे कि आम जिंदगी में आप ब्रिजेस को देखते हैं जो दो एरियाज को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दो सेम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए या फिर दो लैंड नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो है ब्रिज। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिज भी फॉरवर्डिंग कर सकता है? दोस्तों ब्रिज बैक एड्रेसेस पर काम करता है। बैक एड्रेसेस क्या होते हैं? जब भी हम कोई डिवाइस खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मोबाइल वगैरह, इन डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसी डिवाइसेस पर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग यानी इसको बनाते वक्त इनको एक एड्रेस असाइन किया जाता है जो कि परमानेंट होता है, जिसके जरिए एक नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस को आपस में डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। यानी उसी एड्रेस पर अलग अलग डिवाइसेस, एक ही नेटवर्क में मौजूद अलग अलग डिवाइसेस डेटा को सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं। अब अगर कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 5 को डेटा भेजना है तो ब्रिज एक टेबल मेंटेन करता है। इसके पास एक टेबल होता है जिसमें इस पूरे नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस मौजूद होते हैं। कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 को डेटा भेजेगा तो ब्रिज कंप्यूटर 5 के मैक एड्रेस को देखते हुए सिर्फ वो डेटा कंप्यूटर 5 को ही भेजेगा। यानी इससे ये साबित हुआ कि ब्रिज फॉरवर्डिंग कर सकता है। के बाद क्या ब्रिज फिल्टरिंग कर सकता है? तो दोस्तों फिल्टरिंग मींस अगर एक मैसेज को दूसरे नेटवर्क में जाने से रोक सकता है तो दोस्तों ब्रिज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें मैक एड्रेसेस के साथ साथ उनकी पोर्ट भी लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लैन ए है जिसके अंदर ये चार कंप्यूटर्स मौजूद हैं जिनकी पोर्ट 1 है यानी P1 है। तो उस टेबल के अंदर ना सिर्फ इन तमाम डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस होंगे बल्कि उनके सामने उनकी पोर्ट्स भी मौजूद होंगी। दोस्तों अब अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को कोई डाटा भेजना चाहता है तो ये डाटा पहले ब्रिज के पास जाएगा। ब्रिज ये देखेगा कि कंप्यूटर 2 की पोर्ट कौन सी है। तो अगर कंप्यूटर 2 की पोर्ट यही होगी यानी सेम नेटवर्क की पोर्ट होगी तो ये इस डाटा को आगे जाने से रोक देगा। इस तरीके से ब्रिज फिल्टरिंग करता है। अब अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 को कोई डाटा भेजना चाहता है तो ब्रिज अपने इस टेबल के जरिए उस कंप्यूटर 5 की पोर्ट देखेगा जो कि अगले नेटवर्क की पोर्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रिज उस मैसेज को आगे सेंड कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। दोस्तों इसीलिए ब्रिज को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद से डिसीजन लेकर मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है और फिल्टर करता है। के बाद है स्विच। स्विच डिवाइस के जरिए ब्रिज के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया, यानी ये भी सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है लेकिन इसके अंदर बहुत सी यानी हंड्रेड ऑफ पोर्ट्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। इसके जरिए हंड्रेड ऑफ डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट किया जाता है की वजह से ये बहुत तेजी के साथ मैसेजेस को नेटवर्क में सेंड और रिसीव कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद है राउटर। दोस्तों दो डिफरेंट नेटवर्क्स को दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी हम राउटर की बात करते हैं मीन्स हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों की तादाद में अलग अलग नेटवर्क्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ब्रिजेस मैक एड्रेस पर काम करते हैं ऐसे ही राउटर्स आईपी एड्रेस पर काम करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस और जो भी चीज आप मंगवाते हैं वो पोस्टमैन आपको इन एड्रेस पर ही डिलीवर करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको ISP भी कहा जाता है जिसके पास तमाम एड्रेसेस मौजूद होते हैं, इन एड्रेसेस में से कोई एक एड्रेस आपको दे देता है और जैसे ही वो एड्रेस आपको मिलता है आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यानी
अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस आमतौर पर लोकल होता है, यानी कि हर दफा जब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ये अलग अलग आईडी आईपी एड्रेस आपको इस पूल में से आईएसपी देगा। तो दोस्तों मैक एड्रेस लैन नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि आईपी एड्रेस वाइड एरिया यानी इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईपी एड्रेस है दो कंप्यूटर्स का, और ये दोनों कंप्यूटर्स इंटरनेट के जरिए आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। दोस्तों ये एक दूसरे को सेंड डाटा सेंड और रिसीव इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनके नेटवर्क सेम है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इनके नेटवर्क सेम है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इन दोनों का सेम है, क्योंकि ये बताता है क्योंकि एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो कंप्यूटर्स के ये पोर्शन सेम है तो इसका मतलब है कि उनका नेटवर्क भी सेम है दोस्तों। लेकिन अगर हम इनमें से एक कंप्यूटर के एड्रेस को इस तरीके से कर दें यानी 172.16.10.20, तो अब इसका नेटवर्क एड्रेस चेंज हो जाएगा, यानी नेटवर्क पोर्शन अलग हो गया है इस कंप्यूटर के नेटवर्क पोर्शन से, जिसकी वजह से अब ये डाटा को आपस में सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। तो अब जरूरत पड़ेगी राउटर की। राउटर क्या होता है? जैसे ही राउटर तो कंप्यूटर्स के दरमियान जिनके नेटवर्क अलग अलग होते हैं इनके दरमियान लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों राउटर होता क्या है? ये एक छोटा सिस्टम होता है, इसका अपना प्रोसेसर होता है, हार्ड मेमोरी होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसकी बदौलत ये ना सिर्फ फॉरवर्डिंग करता है, फिल्टरिंग कर सकता है, बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ को या फिर बेस्ट पाथ पर आपके डाटा को सेंड कर सकता है। अब शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपका PC1 PC2 को डाटा को PC1 PC2 को कोई डाटा भेजना चाहता है, इसका एक रूट ये है और एक रूट ये भी है, तो जो रूट सबसे बेस्ट होगा, जिसके अंदर ट्रैफिक भी कम होगा, इसकी लेंथ भी कम होगी, तो उस रूट के ऊपर आपके डाटा को सेंड करेगा। के साथ साथ फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि ये तमाम कंप्यूटर्स को डाटा भेज सकता है, के साथ साथ फिल्टरिंग भी कर सकता है कि अगर एक यानी मैसेजेस को आगे जाने से रोक भी सकता है अगर वो उस नेटवर्क के मैसेजेस नहीं है। तो दोस्तों ये था राउटर। इसके बाद है गेटवे। ये भी राउटर की तरह दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि राउटर्स ऐसे दो नेटवर्क्स को जोड़ता है जो कि अलग अलग तो होते हैं लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स एक जैसे होते हैं, जबकि गेटवे ऐसे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ता है जिनके प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी बिना पर कोई भी नेटवर्क बनाया जाता है, वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क के डिस्टेंस को एक्सटेंड करती है या फिर सिग्नल्स को रीजनरेट करती है ताकि वो आगे और डिवाइसेस तक भी पहुंचा सके। के बाद हमने हब को देखा जो कि मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, के अंदर रिपीटर की तरह रिपीटर का काम तो करता ही है लेकिन उसके अंदर रिपीटर की तरह सिर्फ दो पोर्ट नहीं होती बल्कि बहुत सी पोर्ट मौजूद होती है। के बाद था ब्रिज जो कि सेम डिवाइसेस को सेम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्विच जो कि ब्रिज की तरह ही होता है लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी पोर्ट मौजूद होती है। के बाद हमने पढ़ा था राउटर जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, और अभी हमने पढ़ा गेटवे जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को तो जोड़ता है लेकिन उन दो डिफरेंट नेटवर्क्स को भी जोड़ता है जिनके प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को देखेंगे।